गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है और बच्चे घर पे ही हैं और उनके डिमांड तो ख़त्म ही नहीं होते। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड जोन। सबसे पहले एक बाउल में हम आधा कप दूध लेंगे। ये हल्का गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेनी है। एक चम्मच इंस्टेंट यीस्ट लिया है और 1.5 चम्मच चीनी और थोड़ी सी नमक लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे फूलने के लिए रख देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी इसे फूलने में, सिर्फ 10 मिनट लगेगी। इस मिश्रण को घुलते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम एक बार इसे चम्मच की सहायता से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे कि ईस्ट पूरे दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप लिया है, जिस कप से मैंने दूध को नापा था ना उसकी कप से लिया है। पहले इतना डाल लेंगे और अगर कम ज़्यादा हो तो फिर और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन इतना में ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे हम हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इतनी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती है, हाथ से प्रॉपर हम इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा सा लूज ही आटा तैयार होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, थोड़ा सॉफ्ट सा डो बना कर तैयार करना है। यदि घटे तो आप ऊपर से हल्का सा कुनकुना दूध ऐड कर सकते हैं यदि ये ज़्यादा हार्ड हो रही है। यहाँ पर नरम सा आटा गूंथ कर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मोयन। इसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर बटर। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। इसे अच्छे तरीके से डालकर मिक्स करेंगे जिससे कि बटर प्रॉपर आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे जिससे कि ये फूल कर 10 से 15 मिनट में ये फूल कर डबल साइज़ हो जाए। देख सकते हैं 10-15 मिनट के बाद में ये फूल कर साइज़ में डबल हो गई है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन जाए। देख सकते हैं अभी इसमें क्रैक दिख रही है और जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट सा डो बन जाएगा, ऊपर में क्रैक्स नहीं रहेंगे। इस तरीके से इसे मिक्स करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है इसे इस तरीके से गूंथते हुए और देखेंगे कि आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से लंबाई में कर लेंगे और उसके बाद हम इसके पीसेस काट लेंगे। पीस आप अपने हिसाब से काटेंगे, जो भी साइज़ आपको बनानी है उसके हिसाब से। ये जो मैंने पीस लिया है ना, इससे बड़े बड़े वाले डोनट बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसे हथेली में लेना है और इस तरीके से गोल करनी है। ध्यान देनी है कि कहीं पे क्रैक नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे। इसके लिए आप बेलन की भी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद बीच में एक ढक्कन की सहायता से इस तरीके से हॉल कर देंगे और इस पार्ट को हम निकाल कर साइड कर देंगे और इस डोनट को भी हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर फूलने के लिए। अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए हम मैंने एक डो दिया है और उसके बाद से हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे और कोई भी साइज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से आप एक कटोरी या ढक्कन ले सकते हैं, उसे हम काट लेंगे। इससे प्रॉपर शेप आती है, जो पहले हमने बनाया था उसका शेप थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। लेकिन प्रॉपर शेप चाहिए तो उसके लिए आप कटोरी या ग्लास का यूज़ करें और ठीक उसी तरीके से बीच में से इसे भी कट करके हटा लेंगे। देख सकते हैं बचे हुए आटे के जो पीसेस है ना उसे हम थोड़े छोटे साइज़ में कर लेंगे, बीच में से काट लेंगे और उसे थोड़े छोटे छोटे साइज़ में बनाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हमने फैला लिया है और बीच में फिर से इसे हम ढक्कन की सहायता से काट लेंगे और इन सबको हम तल लेंगे। ये जो साइड में छोटे वाले बचे हैं ना आप इसे भी तल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए अब चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तेल बहुत ज़्यादा ना गर्म होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, मीडियम गर्म होनी चाहिए और उसके बाद हम इसे एक एक करके इसमें डालते जाएंगे तलने के लिए। देखें कि 1-2 मिनट के बाद ही यह धीरे धीरे सतह को छोड़ने लगी है और फूल कर साइज़ में डबल हो गई है। देखिए इसे उलट पलट कर हम दोनों साइड से सेक लेंगे। इसे हमें सुनहरा होने तक तलनी है। ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए बस इतना ही तलनी है। देख सकते हैं ये अभी से ही देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और वो जो बचे हुए छोटे छोटे पार्ट थे ना, देखिए उसे भी मैंने तल लिया है, उसे भी आप डिप करके चॉकलेट के साथ में खा सकते हैं। यहाँ पर सारे डोनट तल चुके हैं, मैंने इसे निकाल लिया। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद इसे भी सर्व करने का मैं 2 से 3 तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पाउडर शुगर लिया है, उसे इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दें। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, देख सकते हैं।
एक बार आप इस तरीके को ट्राई करें, हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। ये अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके ले लिया है। आपके पास जो भी चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट, आप वो भी ले सकते हैं। इसे डबल बॉयलर में गर्म कर लेनी है, डायरेक्ट हीट में नहीं चढ़ानी है चॉकलेट को, सिर्फ मेल्ट करनी है, या तो फिर 2 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और इस तरीके से डोनट को हम चॉकलेट के ऊपर में लगाते जाएंगे, जिससे कि चॉकलेट की एक पतली सी परत डोनट के ऊपर में लग जाए। आइए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, जिससे आप इस डोनट को सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर लिया है। सिंपली चीनी को मिक्सी में चलाकर पाउडर बना लेनी है, और आधा चम्मच से भी कम हमने पानी लिया है, और इसे हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, हमें वैसे नहीं करना है। इस तरीके से देखेंगे कि गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी। एकदम आधा चम्मच से भी कम उसमें पानी डालकर इसे घोल तैयार करेंगे। उसके बाद फिर से हम डोनट को इसके ऊपर में लगाएंगे इस तरीके से। ये विद इन 1-2 मिनट के अंदर ही सूख जाती है, और बहुत अच्छा सा, एक जैसे आपने चॉकलेट का जो लेयर लगती है ना, बिल्कुल इस तरीके से ही ये चीनी की लेयर भी डोनट के ऊपर में लग जाती है। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, देख सकते हैं। इस तरीके से इसे लगा देंगे, और आपके पास अगर ऊपर में डेकोरेट करने के लिए कुछ भी है तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं। नहीं है तो आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तीनों तरीका है जिससे कि आप डोनट को बना सकते हैं। ये इस रिंग डोनट की रेसिपी को एक बार तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। खासकर बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और टेस्ट करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।